खबर शामिल करते हैं लाहौर से। लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारी से परिंदा टकरा गया, जहाज का इंजन नाकारा हो गया। पीआईए हुकाम के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर शारजा से आने वाली परवाज पीके 258 से परिंदा टकरा गया, ताहम पायलट ने महारत के साथ महफूज लैंडिंग की, जिससे तमाम 168 मुसाफिर महफूज रहे। पीआईए हुकाम का बताना है कि परिंदा टकराने के बायस तैयारे को नुकसान पहुंचा, उसका इंजन नाकारा हो गया, जिससे तैयारा परवाज के काबिल नहीं रहा। पीआईए हुकाम के मुताबिक कराची की इंजीनियरिंग टीम तैयारे का मुआयना करेगी, जिसके बाद ही नुकसान का अंदाजा लगाया जाएगा। और इधर कराची में कोरोना की शरह में तेजी से इजाफा, कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 21% से तजावज कर गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कराची में कोरोना के 650 टेस्ट किए गए, जिनमें से 138 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई और शहर में कोरोना की शरह 21.23% रही। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में कमी, बुध के रोज कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव रहा और मजमूई तौर पर डॉलर की कीमत में इजाफा देखने में आया। बुध के रोज कारोबार के खिताम पर डॉलर 211.93 पर बंद हुआ था। जुमेरात के रोज कारोबार के आगाज पर डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी देखने में आई और डॉलर की कीमत 1.93 कम हुई, जिससे डॉलर 210 का हो गया। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में मजीद कमी हुई और डॉलर 209 का हो गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत मजीद गिर गई। जुमेरात को खाम तेल की फी बैरल कदर 2.99 कम होकर 103.20 पर आ गई। आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI की कीमत 3% कम के बाद $106 फी बैरल हो गई। इसके अलावा बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $2.77 कम होकर $108.97 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी सदर जो बाइडन जल्द कांग्रेस के सामने ये तजवीज़ रखने का इरादा रखते हैं कि अमरीकी शहरियों को ईंधन की बढ़ती हुई कीमत के तनाजर में रिलीफ देने के लिए फेडरल टैक्स में 3 माह के लिए छूट दी जाएगी।